रायंगा कैलाश बांगर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण व प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं विद्यालय प्रशासन ने स्थानीय विधायक से पुराने भवन के मरम्मतीकरण के लिए धनराशि की मांग की। मुख्य अतिथि विधायक भरत चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने करीब 58 लाख की लागत से बने नवनिर्माण भवन का लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में दिन प्रतिदिन छात्रों की कमी होती जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि सभी को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजना चाहिए। बता दें कि विधायक चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में सब पढ़ना तो प्राइवेट स्कूल में चाहते हैं और नौकरी सरकारी चाहिए। कहा सबको अपना कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करना होगा। उन्होंने विद्यालय प्रशासन की मांग पर 10 लाख की धनराशि देने की भी घोषणा की। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों के उन्नयन के लिए कार्य किए जा रहे हैं वह सराहनीय है। कहा कि उनके द्वारा विद्यालय के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। किया जा सके और मैं क्षेत्र के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो प्राइवेट स्कूलों का मोह छोड़ करके अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में लाएं और हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार निरंतर प्रयासरत है कि अध्यापकों की जो कमी है उसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा और सरकारी विद्यालयों में जो भी अध्यापक होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं और उनके अध्यापन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। इससे इस क्षेत्र विशेष का ये क्योंकि विशेष विद्यालय है जहाँ पर कि हमारे पास शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने की उपलब्धियाँ भी बहुत अच्छी रही है। आगे जब ये हमारे पास कंप्यूटर लैब का और उसका विज्ञान भवन का ये आज उद्घाटन हो गया है तो इसका उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हम लोग आगे अच्छा कर सकेंगे और ये प्रयास आज किया गया है।